अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक्स इनफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 303 का पेपर पैटर्न एंड पास्ट पेपर सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का, और ये इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए है और कोर्स का नेम है अकबालियात। टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, टोटल मार्क्स 100 हैं, कामयाबी के नंबर 40% हैं, और एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप लोग 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, उस लिहाज से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो 100 मार्क्स बनते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, पेपर पैटर्न सेम है, जस्ट क्वेश्चन चेंज होते हैं, बाकी का पेपर पैटर्न सेम ही होता है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट नहीं है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर दें, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, हदीस से क्या मुराद है। सेकेंड है, प्याम मशरक किस मगरबी शायर के दीवान के जवाब में लिखी गई। थर्ड वाला है, इकबाल ने अपना फलसफाना खुतबा क्या मज़हब का इम्कान है कब और कहाँ दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लामा इकबाल के आखिरी शायरी मजमुए का नाम बताएं जो इनकी ज़िंदगी के बाद शाया हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सर रास मसूद कौन थे और इकबाल से इनका क्या रिश्ता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इकबाल ने नज़म इल्तजाया मुसाफर किस बुजुर्ग के मज़ार पर हाज़र होकर पढ़ी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल की शायरी की पहली किताब का क्या नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मुल्ला ज़ादा ज़गीम लोलाबी की ब्याज इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इकबाल के नज़दीक सकलिया की अहमियत क्यों है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नज़म फातमा बिनत अब्दुल्ला किस सन में लिखी गई और इसका बे वाला जुज है। नज़म एक परिंदा और जुगनू का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, अलिफ जुज और बे जुज दोनों को आप लोगों ने करना है, दोनों के 10-10 मार्क्स हैं, इस लिहाज से दोनों के 20 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लामा इकबाल की शायरी के इर्तका पर नोट लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कौमी मफाद से सिर्फ नज़र करके इनफरादी तरक्की मुमकिन है। तलीमात इकबाल की रोशनी में तबसरा कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इकबाल को मुसलमान नौजवानों से क्या तवक्कुआत थी। खिताब जवानान इस्लाम और एक नौजवान के नाम सहत कोशी पर नोट बयान कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इकबाल की नसर नगारी पर नोट तहरीर कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जवाब शिकवा में मुसलमानों को क्या तनबिया की गई है, वजाहत कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल की तसनीफ का मुतसिर तारफ पेश कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नज़म तराना हिंदी और तराना मिली का तकाबली जायजा लीजिए। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 303 का पेपर पैटर्न एंड पास्ट पेपर सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 शेयर किया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।